हम चर्चा करेंगे इनॉक्स के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ। पेट्रोल और डीजल के भाव जो लगातार बढ़ रहे हैं, एक्चुअली 2014 में जो एक्साइज बहुत कम थी उसके बाद इन्होंने एक्साइज बढ़ा दी। जैसे जैसे पेट्रोल के इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम हुए तो इन्होंने एक्साइज बढ़ा के उसको बराबर कर दिया। लेकिन आज जब इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ रहे हैं तो एक्साइज घटानी चाहिए, ऐसा तो ये कर ही नहीं रहे हैं उसका। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि हम एक्साइज नहीं घटाएंगे, इसलिए पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। महंगाई की मार मध्यम और गरीब वर्ग के ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक्साइज और वेट डाउन घटाना चाहिए और GST के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए। देश में मुंबई में 86 रुपये पेट्रोल बिक रहा है और हमारे करीबी देशों को भारत काफी कम से भी आधे से भी कम कीमत में पेट्रोल डीजल बेच रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, पेट्रोल का प्राइस वैसे कम ही होता है लेकिन यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो उसके अंदर अपने अपने टैक्स जोड़ जोड़ के इस प्राइस को वापस उस लेवल पर लेके आ रहे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर जो उनको टैक्स रेवेन्यू होती है उसको कम कर देश के जनता को उनको थोड़ा राहत देनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इंटरनेशनल मार्केट की रेट बेस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको अपना टैक्स रेवेन्यू को कम करके अपने देश के जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। सरकार ने कल निवेदन दिया है कि एक्साइज में कोई भी कटौती नहीं होगी, अगर राज्यों को अपना वैट घटाना है तो वो घटा सकते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, अभी केरला या आंध्र प्रदेश वहाँ पे उन्होंने, राजस्थान वहाँ पे उन्होंने कम किया रेट, या तो फिर वो लोग GST में लाए पेट्रोल को अगर प्राइस कम नहीं कर सकते। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे हाथ में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमारे हाथ में नहीं है, तो अभी जो मर रही है वो तो आम जनता ही मर रही है। पेट्रोल की वजह से सबके दाम बढ़ गए हैं, अभी सब मिडिल क्लास आदमी है तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास रोएगा? कल पेट्रोल और डीजल के लिए कांग्रेस ने देश बंद किया था, देश भारत बंद था, भारत में काफी बसें जला दी, काफी सारा नुकसान हुआ सरकारी प्रॉपर्टी का, इस पर काफी नुकसान हुआ है और काफी बहुत धंधे पे भी असर हुआ है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आम चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, उसमें सरकार क्या एक्शन में आती है। कैमरामैन मयंक शाह के साथ अनिकेत शाह, वडोदरा न्यूज नेटवर्क, वडोदरा।